न्यूज़, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। भारत में गूगल के खिलाफ उठाया जाएगा ये बड़ा कदम। पहले ही लग चुका है 275 मिलियन का जुर्माना। भारत सरकार गूगल के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रही है। रॉयटर्स एक रिपोर्ट के मुताबिक एक शीर्ष IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस बात की जानकारी दी। राजीव चंद्रशेखर के मुताबिक पिछले साल एक एंटीट्रस्ट वॉचडॉग ने पाया कि गूगल अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने अक्टूबर में दो मामलों में अल्फाबेट इंक की कंपनी गूगल पर $275 मिलियन का जुर्माना लगाया था। मामला ऑनलाइन सर्च और एंड्रॉइड ऐप स्टोर जैसे बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति का फायदा उठाने का था। CCI ने गूगल से प्री इंस्टॉलिंग ऐप से संबंधित स्मार्टफोन निर्माताओं पर लगाए गए प्रतिबंधों को बदलने के लिए भी कहा था। यह फैसला ऐसे समय आया है जब गूगल को दुनिया भर में एंटीट्रस्ट जांच का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने एक यूरोपीय अदालत ने 2018 के एक फैसले को बरकरार रखते हुए गूगल को बड़ा झटका दिया था। यूरोपीय अदालत ने कहा था कि कंपनी ने एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के निर्माताओं पर गैर कानूनी प्रतिबंध लगाए। रॉयटर्स में छपी एक रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल ने अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई है। अदालत के फैसले के बाद गूगल को 410 करोड़ का जुर्माना झेलना पड़ रहा है। सरकार गूगल के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने रॉयटर्स को एक दिए इंटरव्यू में बताया, इस तरह के मामले बेहद गंभीर है। ये मामले सरकार को गहरी चिंता में डालते हैं। सरकार गूगल के खिलाफ कार्रवाई करेगी। चंद्रशेखर ने कहा, मंत्रालय आने वाले हफ्तों में कार्रवाई करेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। मंत्री ने यह बताने से इनकार कर दिया कि सरकार किस तरह की नीति अपनाएगी या किस तरह की कार्रवाई कर सकती है। राजीव चंद्रशेखर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन में सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारियों में से एक है। रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने इस मामले पर गूगल से किसी भी तरह की कोई बातचीत करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने इसे अदालत का मैटर बताया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमने कभी अमित शाह से सिफारिश नहीं की, लोकसभा चुनाव के टिकट को लेकर बोले भूषण चरण सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और BJP सांसद भूषण चरण सिंह इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। एक तरफ जहां पहलवान उनकी गिरफ्तार की मांग को लेकर जंतर मंतर पर पिछले 28 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, वही भूषण चरण सिंह इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में WFI चीफ ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बयान दिया है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने पर उन्होंने कहा, 2014 में हमने बहराइच में अमित शाह से कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तब अमित शाह ने कहा था कि आपको चुनाव लड़ना है। वही उन्होंने अपने बेटे को टिकट मिलने की बात पर कहा, हमने कभी भी अपने बेटे प्रतीक के टिकट की सिफारिश नहीं की, लेकिन अमित शाह ने प्रतीक को भी टिकट दिया। गोंडा से प्रतीक और बलरामपुर से पलटू राम को अमित शाह ने खुद टिकट दिया था, हमने तो कभी उनसे सिफारिश नहीं की थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। CM भूपेश बघेल लॉन्च कर रहे हैं जनता के लिए सारथी ऐप, ऐसे आपकी समस्या का होगा समाधान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मई को सारथी ऐप का शुभारंभ करेंगे। दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा के तैयार किया गया है यह ऐप मोबाइल पर उपलब्ध होगा। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर या किसी अन्य प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप की खासियत यह रहेगी कि आप किसी भी प्रशासनिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं और साथ ही विभागीय शिकायतों पर को भी दर्ज कर सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मई यानी आज दुर्ग जिले के साकरा पाटन में आयोजित होने वाले भरोसे में के सम्मेलन में सारथी ऐप का शुभारंभ करेंगे। दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा तैयार
कराए गए इस मोबाइल ऐप के माध्यम से नागरिक आसानी से किसी भी समय अपनी शिकायत को दर्ज और ट्रैक कर सकेंगे। इस ऐप के जरिए आप नागरिक शासन के विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे और इस ऐप के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों और समस्याओं का संबंधित विभागों द्वारा जल्द ही समाधान किया जाएगा। जानिए सारथी ऐप की खासियत और इस्तेमाल करने का तरीका। सारथी ऐप को मोबाइल के माध्यम से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप में मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करते ही उसे यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। आईडी में व्यक्ति लॉगिन कर अपनी समस्या को दिए गए फॉर्मेट में अंकित कर आवेदन को सबमिट करेगा। ऐप के माध्यम से दर्ज की गई शिकायत की आगे की कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए नोडल अधिकारी के पास पहुंचेगा, जिसके बाद नोडल अधिकारी संबंधित विभाग को आवेदन फॉरवर्ड करेगा। अधिकारियों ने बताया कि नागरिकों की जन सुविधा को ध्यान में रखकर यह जिला स्तरीय ऐप बनाया गया है। गूगल प्ले स्टोर पर यह मोबाइल एप्लीकेशन सारथी नाम से उपलब्ध है। इसके साथ साथ इसकी वेबसाइट भी बनाई गई है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।